यात्रा ने सबको तो जोड़ा, भारत को जोड़ा, लोगों में उत्साह बहुत है। कमलनाथ जी पूरा समय दे रहे हैं, जैसे आप बताते हैं ना कि दो बूढ़े लोग हैं लेकिन जवानों से तेज हैं। तो सिटी में लड़कों का कल्चर ये हो गया कि देर रात तक जगना और सुबह देर तक सोना, लेकिन अपनी यात्रा का ये इम्पेक्ट मतलब बहुत, जिन्हें लिया कभी कोई आवाज करेगा पीछे से तो पता चलेगा कि बहुत सारे लोग सुबह से उठना सीख गए। अगर मुझे एक बात समझ आई कि पहले कहते थे कि ये जो प्रोग्राम्स होते हैं इनको जल्दी नहीं करा करो क्योंकि जनता नहीं आएगी। अब मुझे एक बात समझ आई कि इनका बहाना है जनता आ जाती है, जनता 5 बजे आ जाती है, 6 बजे अंधेरा होता है तो भी आ जाती है। लेकिन सर कमलनाथ जी का ऐसा रहता है कि वो बिल्कुल मतलब 5 बजे का है तो 5 बजे में आओगे। आपका सीक्रेट क्या है? ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो नहीं सकता भैया, इतना शार्प। एक तो 5:30 बजे आपका झंडा वधन हो जाता है। तो आपको सबसे अच्छा क्या लगा इसमें यात्रा में? किसी भी चीज में, सभा में, कार्यक्रम में हम ही ऑर्गेनाइज करते हैं, भीड़ आ जाए, वो लाए हुए लोग होते हैं, वो आए हुए लोग नहीं होते, यहाँ आए हुए लोग थे। राहुल जी आज वो त्यागी है अपना, वो कह रहा था कि कल आपने महिलाओं को मिलवाया, बस एक दिन हमारा बैचलर्स डे भी मनवा लो, सब बैचलर्स को बुलवा के मिलवाइए राहुल जी से। भी रिप्रेजेंटेटिव है। ये जो मीडिया है ये बायस्ड हो गया है। एक तो पहले एक वर्ग था, हमें पता था, या बीजेपी का था वो पक्ष ले रहा था, बीच का जो एक बहुत बड़ा वर्ग है वो नहीं सोचता था कि अखबार तो अखबार है, तो वो भी सोचने लगा है कि हाँ ये बायस्ड हो रहा है। ये वरमाला हो रही थी, इतने में आपकी यात्रा निकली तो दुल्हन दौड़ के आ गई और फोटो के दूल्हा का The best was that old man, sir. He's from my Vidhan Sabha. He was with my father, grandfather and all that. 88 years. He's walking, huh? He's walking. Non-stop, I'm seeing him. Yeah. So I asked him, कि आप कैसे? तो उन्होंने कहा कि जिस परिवार ने 3 लोगों को खोया हो उनका बच्चा चल रहा हो तो हमारा फर्ज बनता चल रहा है। सो टचिंग। राहुल जी आप मध्य प्रदेश में 12 दिन से हैं, आपको कौन सा एरिया बेस्ट लगा? मुझे उज्जैन अच्छा लगा, महाकाल मंदिर मुझे काफ़ी अच्छा लगा, बट पूरे प्रदेश को दूसरे पर्सपेक्टिव से देखने का मौका मिला, जो मतलब चलने से दिखता है और चलने से जो बात समझ आती है वो गाड़ी से पता नहीं लगती। भैया 2009 से लेके अभी तक लगभग इन्होंने 20,000 करोड़ खर्च करा हो पूरी कैंपेन करने के लिए कि कैसे डिफेम किया जाए, पर इस यात्रा ने उस 20,000 करोड़ के इनके इन्वेस्टमेंट को खत्म कर दिया। पब्लिक हमसे अट्रैक्ट हो रही है, हमारे बारे में सुनना, जानना, देखना उन्हें अच्छा लग रहा है। ये जनता की आवाज़ है, ये संगठन नहीं है। आपने शिव की बारात देखी है? उसमें डिसिप्लिन होता है नहीं होता? उसमें अगर आपने शिव की बारात में डिसिप्लिन कर दिया खत्म हो गई वो बारात ही खत्म हो गई। बट उसमें एक और चीज है, इनडिसिप्लिन नहीं होता, ठीक है? उसमें एक जैसे कहते हैं ताल चलती है, उसके मुताबिक सब लोग डांस करते हैं। उसमें घोड़े भी नाचते हैं, मनुष्य भी नाचते हैं, सब नाचते हैं। ये वैसा संगठन है।